वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज हम सी में एक छोटा सा पहला प्रोग्राम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। उस एडिटर को हम ओपन करते हैं। ये टर्बो सी नाम का एडिटर यूज कर रहे हैं हम। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई है, ब्लू कलर है जिसके बैकग्राउंड में। और हमको जब हमारा प्रोग्राम लिखना है तो एक फ्रेश फाइल पे लिखना है, जो पूरी फाइल खाली हो हम उस पर हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आप एडिटर ओपन करते हैं और एक ब्लैंक फाइल आती है, वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आप फाइल पे आके क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, और जब तक क्लिक करें जब तक कि एक ब्लैंक फाइल नहीं ओपन हो जाती, मतलब पूरी ब्लैंक ही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो। ठीक है, एक ब्लैंक फाइल आ गई। अगर वो एडिटर में वो जो स्पेस है अगर आपको थोड़ी कम दिख रही है और पूरी फुल स्क्रीन करनी है आपको, तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दें तो वो पूरी फुल हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेटिंग्स है, हमने कर ली। अब हम लिखना शुरू करते हैं प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम। कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले लिखना है आपको हैश, फर्स्ट वर्ड ही लिखना है हमको हैश। हैश क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। हैश ये बताता है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लानी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मतलब क्या? ऐसी डायरेक्टरीज जिनको पहले से ही प्रोसेस करके सी के साथ जोड़ दिया गया है। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको इनपुट लेना होता है, आउटपुट लेना है, मतलब कुछ चीजें कंपलसरी है जब भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो चीजें हमको हर बार 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 उन प्रोग्राम में नहीं लिखनी पड़े, इसके लिए उनको पहले से ही लिख दिया गया, हमारी सहूलियत के लिए उनको पहले से ही लिख दिया गया है। उनको पहले से लिख के कंपाइलर के साथ जोड़ दिया गया है। बस हमको वही चीजें बतानी है कंपाइलर को, जो पहले से प्रोसेस डायरेक्टरीज है उनमें से हम कौन कौन सी डायरेक्टरीज हमारे इस प्रोग्राम में जोड़ने जाते हैं। तो हैश क्लियर है, प्री प्रोसेस जो पहले से प्रोसेस करी जा चुकी है। किस बेसिस पे प्रोसेस करी है? कि ये रिक्वायरमेंट्स तो एक कोडर को, जब भी एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा तो उसको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो सारी चीजें उन्होंने पहले से हमारे लिए लिख के रखी है, वो हमको इंक्लूड करनी है हमारे प्रोग्राम को। जो जो चीजें हमको जरूरत पड़ेगी उनको हम कहाँ इंक्लूड कर लेंगे? हमारे प्रोग्राम में। तो हैश इंक्लूड करना है, तो उसके बाद मैं लिखूंगा इंक्लूड, फिर लेस देन का साइन, stdio.h, और फिर ग्रेटर देन का साइन। कुछ सिंटेक्स से एज इट इज फॉलो करना है। अब पूरी इस लाइन को समझते हैं। हैश प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी, ठीक, उसको मुझे इंक्लूड करना है तो मैंने इंक्लूड लिख दिया। फिर लेस देन वाला साइन stdio.h। std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने std लिख दिया। आई और ओ का आई इनपुट, ओ आउटपुट, तो पूरा क्या हुआ इसका? stdio का पूरा नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h लिखा हुआ है। h का मतलब होता है हेडर फाइल। प्रोग्राम के हर बार कौन सा सेक्शन पे लगती है फाइल? शुरू वाले सेक्शन पे, तो शुरू को हम हेड सेक्शन बोलते हैं। तो stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसमें हमारे प्रोग्राम में वो फंक्शंस इंक्लूड हो जाएंगे जो इनपुट और आउटपुट लेने का, इनपुट लेने का और आउटपुट देने का काम करेंगे। वो फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। इसके बाद मुझे एक फाइल और जोड़नी है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ वापस हैश। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी को बता ही रहा है, इंक्लूड इंक्लूड करनी है, वही लेस देन का साइन। इस बार मैं लिख रहा हूँ conio.h और ग्रेटर देन का साइन। सिंटेक्स को बंद कर देते हैं। इस सेकंड वाली हेडर फाइल का मतलब है, एच लिखा है तो हेडर फाइल है ये। वो पूरा फुल फॉर्म है उसका, कंसोल इनपुट आउटपुट। पहली का क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरी वाली का क्या हो गया? कंसोल इनपुट आउटपुट। क्योंकि हमारे सी के प्रोग्राम का आउटपुट कौन सी विंडो पे आएगा? कंसोल विंडो को, कंसोल विंडो पे आएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन लिखे हुए हैं जिनके थ्रू हम कंसोल वाली विंडो को हैंडल कर लेंगे। यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दो हेडर फाइल क्यों लगी? क्योंकि इनमें हमारे लिए जो बेसिक नीड्स है हमारे प्रोग्राम के, इनपुट लेना और आउटपुट देना, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस लिखे हुए हैं, हम उन्हें यूज करेंगे, इसलिए दो हेडर फाइल हमने प्रोग्राम में लगा दी। ऐसी कई हेडर फाइल्स है, जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा हम
बड़े स्केल पे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे हेडर फाइल्स, नंबर ऑफ हेडर फाइल्स भी बढ़ती जाएगी। अभी बहुत छोटा बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे हम इस प्रोग्राम में, इसलिए ये दो काफ़ी है मेरे लिए। अब इतनी देर से जो मैं इंक्लूड इंक्लूड बता रहा था कि फाइल इंक्लूड करनी है, इसलिए मैंने इंक्लूड लिखा, इसलिए इंक्लूड नहीं लिखा। अभी थोड़ी देर के लिए सी के एडिटर को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जाने के बाद लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी में गया तो मुझे वहाँ पे एक फोल्डर का नाम दिखेगा टर्बो सी फोर, कुछ भी नाम हो सकता है, टर्बो होगा जैसा हमारे पास सेटअप है। उस पर मैंने क्लिक किया, उसके अंदर फिर मुझे एक टी सी नाम का फोल्डर मिलेगा, टी सी टर्बो सी शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने टी सी लिख दिया। टी सी पे क्लिक करूँगा, अब मेरे सामने बहुत सारे फोल्डर हैं, उनमें से आप ध्यान दीजिए कि एक फोल्डर का नाम इंक्लूड है, एक फोल्डर का नाम इंक्लूड है। ये सारे फोल्डर बने कैसे, जब मैंने वो सी का सेटअप किया अपने कंप्यूटर में तो सेटअप के दौरान ये सारे फोल्डर्स बन गए हैं। इंक्लूड नाम इनबिल्ट है, पहले से लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है। आप भी जब सेटअप करेंगे तो आपको भी ये इंक्लूड नाम का फोल्डर मिल जाएगा। इंक्लूड नाम का फोल्डर है सी के सेटअप के अंदर, एक इंक्लूड नाम का फोल्डर है। मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने वहाँ दो फाइलों के नाम लिखे हैं, stdio और conio। इन दोनों फाइल इस वाले फोल्डर में है क्या, तो देखिए ये तो रह गई आपकी stdio और ये आपकी है conio। मतलब वो जो पूरा स्टेटमेंट था वो मीनिंगफुल था, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी को। उसके बाद मैंने कहा कि वो इंक्लूड करनी है मुझे, तो मैंने इंक्लूड लिख दिया। वो इंक्लूड करनी है इसलिए इंक्लूड नहीं लिखा, वो जहां से आएगी उस फोल्डर का नाम ही क्या है, इंक्लूड है। मैं उसको बता रहा हूँ सी के कंपाइलर को कि वहां वो इंक्लूड वाले फोल्डर में ये जो दो हेडर फाइल रखी है वो लानी। आप देख ही सकते हैं वो सारी हेडर फाइल्स से, जो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब प्रोग्राम बड़े स्केल पे ट्रांसफर होते जाएंगे तब इनमें से बहुत सारी हेडर फाइल्स का हमको यूज करना पड़ेगा। चलिए फिर हमारे प्रोग्राम पे चलते हैं। दो तो हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, अब मुझे शुरू करना है प्रोग्राम। प्रोग्राम शुरू करने के लिए मुझे लिखना है void main, void main लिखना है, वो छोटे वाले ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने हैं। ये कुछ सिंटेक्स है जो मुझे फॉलो करने ही हैं। यहाँ से कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये पता लगता है कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा, या उसको पहले से पता है कि इस लाइन से ही मुझे प्रोग्राम पढ़ना शुरू करना है, जैसे भी आप समझना चाहें। फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम void main ही होगी, कंपाइलर इंटरप्रेटर यहीं से प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको पढ़ना शुरू करना है यहाँ से, तो हमको भी प्रोग्राम कहाँ से लिखना पड़ेगा, यहीं से लिखना पड़ेगा। तो void main लिख दिया, दो स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, फिर void main का ब्लॉक लिखूँ हमें, एक खंड लिखना है, तो C में किसी भी ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करना और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना, तो जहां से वो ओपन है और जहां वो क्लोज हो रहा है उसको बीच को एक ब्लॉक मान लिया जाता है। धीरे धीरे आगे क्लियर होगा, इनका बहुत महत्व है, आगे क्लियर होगा। अभी इसमें तो आप सिर्फ ध्यान रखें कि अगर मुझे एक ब्लॉक बनाना है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना, उसके बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो सब एक ब्लॉक का पार्ट हो जाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में आके कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर नेक्स्ट लाइन में आके मैं सिंपल सा एक प्रिंट, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है मुझे, वो वाला कोड लिख रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिंट एफ, ये कमांड है इनबिल्ट, जो ऊपर वो stdio.h हमने ली थी ना, ये उसका उसका एक फंक्शन है जो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। मुझे प्रिंट एफ लिखने के बाद सी के कंपाइलर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि इससे मुझे कोई चीज़ प्रिंट करानी है, ये अंडरस्टूड है उसको कि मुझे कुछ चीज़ प्रिंट करानी है इसलिए मैं प्रिंट लिख रहा हूँ। और ये बात वो कहाँ से समझ रहा है, उस हेडर फाइल से समझ रहा है stdio.h वाली से, तो उसका नाम है प्रिंट एफ। मतलब जब भी हमको कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो किसका यूज़ करना है, हमको प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना है। अब इसका सिंटेक्स देखते जाइएगा क्योंकि ये हमको हर बार ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहूँ वो लिखूंगा, वो एज इट इज आउटपुट विंडो पे शो होगा। समझना, प्रिंट एफ तो फंक्शन है जिससे मैं उस चीज को प्रिंट करना चाहता हूँ। छोटा ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अब यहाँ से मैं फ्री हूँ, अब मैं वो लिख सकता हूँ जो मुझे वास्तविकता में यूजर को प्रिंट करवाना है या मुझे जो प्रिंट कराना है। अभी बहुत पहला ही प्रोग्राम है तो मैं बहुत छोटी सी सिंपल सा एक हेलो और मेरा नाम प्रिंट कर देता हूँ, हेलो विनिक्ट। इतनी सी बात मुझे प्रिंट करानी है, मेरी बात हो गई खत्म। तो वापस
डबल कोट्स लगाना है, बात खत्म हो गई है इसलिए, फिर वो छोटा ब्रैकेट मुझे बंद करना है और लगाना है सेमीकोलन। आई बात समझ में? प्रिंट एफ जो भी हम लिखेंगे उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एज इट इज। लिखने से पहले आपको लगाना है छोटा ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद में जो भी लिखा हो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मेरी बात खत्म हो जाती है तो मुझे इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है, छोटा ब्रैकेट भी क्लोज करना है और लगाना है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है ये। कोई भी स्टेटमेंट है अगर मुझे उसको बंद करना है, टर्मिनेट करना है, तो मुझे लगाना होगा सेमीकोलन। और जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा मैं चाहता हूं कि उस लाइन में वो टर्मिनेट ना हो, वो आगे भी चलता रहे उसका स्कोप, तो मैं क्या नहीं लगाऊंगा उसके पीछे, सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा। ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कहां सेमीकोलन लगाना है कहां नहीं लगाना। अभी तो आप ध्यान रखें कोई भी चीज मुझे अगर बंद करनी है, टर्मिनेट करनी है, तो मुझे सेमीकोलन लगाना है कोई भी स्टेटमेंट, और अगर नहीं करना है तो मुझे क्या नहीं लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है। बस एक ही लाइन मैंने प्रिंट करी, मेरा काम हो गया इस प्रोग्राम से। तो ऊपर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था, मेरा काम हो गया है, तो मुझे उस कर्ली ब्रैकेट को क्या करना है, बंद करना। ठीक, ये एक प्रोग्राम तैयार हो गया, सिर्फ एक चीज प्रिंट करेगा तो ये प्रोग्राम तैयार हो गया। अब इसको मैं रन करने से पहले, कंपाइल करने से पहले इसको क्या करना है, हमको सेव करना है। फाइल पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फंक्शन की F2 दबा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट ही वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। F2 का यूज करें, बार बार फाइल में आके क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और कई बार ऐसा होता है कि माउस काम ही नहीं करता है सी के एडिटर पर, C++ के एडिटर पर माउस नहीं काम करता है, तो थोड़ा सा इन कीज को आप ध्यान में रखें। F2 से सेव होगा, फुल स्क्रीन करने के लिए F5 है जो पहले बता दी है, F2 से सेव होगा। मैंने F2 प्रेस करी, यहाँ पे मुझे उस फाइल का नाम पूछ रहा है, मैं चाहूँ वो नाम दे सकता हूँ अपने आइडेंटिफिकेशन के, और मेरे याद रखने के हिसाब से मैंने एक नाम दे दिया, .c लगाना है। अभी देखा था आपने थोड़ी पहले .cpp लिखा हुआ आ रहा था, वो C++ के लिए है, .cpp C++ के लिए होता है, C के लिए आपको .c लगाना है। तो आप कुछ भी नाम लिखे, मैंने लिखा हेलो .c और कर दिया इसको सेव। ये प्रोग्राम अब हमेशा मुझे किस नाम से मिलेगा, हेलो नाम से मिल जाएगा। अभी ये कौन सी लैंग्वेज में है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में है जो डेनिस रिची जी ने बनाई थी। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मशीनी भाषा में, जो हमने पहले वीडियो में देखे थे। मशीनी भाषा में आपको एक कंपाइल नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंपाइल पे क्लिक करते हैं, कंपाइल के अंदर कंपाइल है, उसके आगे उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, हम शॉर्टकट की पे भी बात करेंगे। अभी मैं इसको यहीं से कंपाइल कर रहा हूँ, देखिए कंपाइल हो गया, कोई भी रन नहीं है प्रोग्राम में, तो सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर मैं प्रोग्राम में कोई गलत लिख रहा हूँ तो वो यहाँ डिनोट हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं देगा मुझे, कंपाइल ही नहीं होने, मतलब सी के किसी भी रूल का मैंने वायलेशन कर दिया है, या मैंने सी को सही तरीके से नहीं लिखा है, तो इसी लाइन में मुझे पता लग जाएगा कि ये गलत लिखा है। इसमें देखिए आप बिल्कुल सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, कंपाइल पे क्लिक करना है, कंपाइल के बाद कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, एक विंडो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। अगर हमने इस प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक करी है तो इसी डायलॉग बॉक्स में दिखेगी आपको, और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग्स, कुछ भी आपने गड़बड़ नहीं करी है, तो सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब देखिए इसमें लाइन कंपाइल में हमने लिखी तो 4-5 लाइनें ही हैं, पर फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनों को उसने कंपाइल किया। वो लाइनें कहाँ से आई, वो लाइनें ऑलरेडी जो उन 2 हेडर फाइल्स में लिखी हुई थी वहाँ से आई है। अब मेरी बात क्लियर होगी ना, वहाँ प्री डिफाइंड फंक्शन लिखे हुए हैं, उन्हीं को तो इसने कंपाइल किया है, और वही तो लाइनें जोड़ी है इसने हमारे साथ, हमने तो 5 लाइनें लिखी है, फिर इतनी सारी लाइनें क्यों बता रहा है, क्योंकि कहाँ से लेके आ गया, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को भी इन्हें जोड़ दिया है। क्लियर है, अब इस प्रोग्राम कंपाइल हो गया, मतलब मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको रन करना है। अब मैं रन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, रन रन, कुछ भी नहीं हुआ। प्रोग्राम रन करने के बाद कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है, आउटपुट आया है, आउटपुट वाली स्क्रीन आई और चली भी गई, हमको क्या नहीं हुआ, दिखी नहीं। तो ये कंप्यूटर ने इतनी फास्ट प्रोसेसिंग के साथ उस विंडो को लाया और उस विंडो को वापस हमारी आंखों से अलग हटा दिया कि हम हमारी नॉर्मल आंखों से उस बात को नहीं पकड़ पाए। अब इस आउटपुट स्क्रीन को पकड़ने के लिए हमको एक फंक्शन और यूज करना पड़ेगा, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिससे वो आउटपुट वाली स्क्रीन मेरे लिए रुकी रहे, जब तक मैं चाहूँ तब तक रुकी रहे। एक फंक्शन और इंक्लूड करना है,
तो जस्ट यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया था, उससे जस्ट ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक प्री डिफाइंड फंक्शन गेट सी एच, फंक्शन पहले छोटे ब्रैकेट का साइन और सेमीकोलन टर्मिनेट करना है। गेट सी एच का मतलब है गेट कैरेक्टर, गेट तो गेट है, सी एच स्टैंड फॉर कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर, ठीक है। मतलब अब वो कंपाइलर को हमने क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कैरेक्टर गेट करना है आपको, तो कंपाइलर कब तक रुका हुआ रहेगा, जब तक हमसे कैरेक्टर गेट नहीं कर लेता है। चलिए वापस चलाते इस प्रोग्राम को, रन और रन, देखिए इस बार मुझे आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट कितनी बार दिख रहा है, दो बार हेलो विनीत प्रिंट है। दो बार क्यों प्रिंट है, प्रोग्राम तो एक ही बार चला, लेकिन मैंने जब आपसे कहा था पहला वाला प्रोग्राम भी चला है, उसका भी आउटपुट आया है और स्क्रीन रुकी नहीं है मेरे लिए, इतनी देर वो रुकी नहीं कि मैं उसको देख पाऊँ। तो एक जो आउटपुट है वो पहले वाले प्रोग्राम का है और एक जो आउटपुट है वो दूसरे वाले प्रोग्राम का है। मतलब पहला वाला प्रोग्राम भी चला था बस मैं आउटपुट नहीं देख पाया था, उससे पहले स्क्रीन बंद हो गई थी। दूसरा वाला प्रोग्राम भी चला है और ये क्यों रुका हुआ है, क्योंकि मैंने गेट सी एच फंक्शन का यूज कर लिया है। अब ये किसके लिए रुका हुआ है, मेरे से एक कैरेक्टर के लिए रुका हुआ है, कैरेक्टर मतलब कुछ भी, मैं कैरेक्टर दबाऊंगा नहीं दबाऊंगा तब तक ये रुका हुआ रहेगा, जब मैं दबा दूंगा तो स्क्रीन चली जाएगी, मैं कोई भी एक कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ। देखिए वापस मैं अपने प्रोग्राम पे आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट मुझे देखना है तो एक लास्ट में मुझे एक फंक्शन लगाना ही पड़ेगा, वो है गेट सी एच, मतलब गेट कैरेक्टर फंक्शन। एक बार और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए हम मुझे तीन बार लिखा हुआ मिल रहा है हेलो विनीत हेलो विनीत हेलो विनीत, दो बार तो पुराने वाले प्रोग्राम का और एक बार इस नए वाले प्रोग्राम का। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि पुराना वाले किसी प्रोग्राम का आउटपुट मुझे दिखे, अभी तो यहाँ दो वर्ड ही हैं, जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनेंगे तो बड़े बड़े आउटपुट्स बनेंगे, तो हम से कुछ गड़बड़ होती है कुछ गलती होती है, तो हम नहीं चाहते कि पुराना आउटपुट देखें, हम फ्रेश आउटपुट देखना चाहते हैं हर बार। अगर मुझे ऐसा करना है कि मैं पुराने किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट नहीं देख पाऊँ, तो आपको एक और प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है, उसको हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में यूज करेंगे, वर्ड मेन का कर्ली ब्रैकेट ओपन है उसके जस्ट बाद CLRSCR क्लियर स्क्रीन, मतलब जब भी मेरा प्रोग्राम चले तो सबसे पहला काम ही वो क्या कर दे, स्क्रीन क्लियर कर दे, जो कंसोल वाली स्क्रीन है उसको क्या कर दे, वो क्लियर कर दे, और बाद में मेरा प्रोग्राम चलेगा तो एक फ्रेश आउटपुट हमेशा दिखेगा, पुराना वाला सारा आउटपुट हट जाएगा। तो CLRSCR फुल फॉर्म में क्लियर स्क्रीन, वही फंक्शन वाले सिंबल और सेमीकोलन। अब ये प्रोग्राम हो गया पूरा सही, मतलब जब भी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा मैं तो हेलो विनीत प्रिंट होता जाएगा, पुराने सारे आउटपुट इस क्लियर स्क्रीन से हट जाएंगे और आउटपुट विंडो मेरे लिए किस बात के लिए रुक रहेगी, उस गेट सीएच के लिए। तो ये क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच कहाँ काम कर रहे हैं, उस आउटपुट वाले विंडो को, उस आउटपुट वाली विंडो को ही हम कंसोल विंडो कहते हैं। और ये दोनों फंक्शन मुझे किसने दिए, कहाँ कौन सी हेडर फाइल में प्री डिफाइंड थे, कौन यू डॉट एच में प्री डिफाइंड थे, और ये प्रिंट एफ फंक्शन है ये कहाँ डिफाइंड था, stdio.h में। अब आप समझ में गए कि किसी एक छोटे से छोटे प्रोग्राम को लिखने के लिए भी मुझे इन दो हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं वो तो लगने ही लगने हैं, इनपुट आउटपुट तो लेना ही है यूजर से और कुछ ना कुछ आउटपुट देना ही है उसको। तो ये दो हेडर फाइल्स और ये कुछ फंक्शन है, CLRSCR और getch किससे मिले मुझे, conio.h से, printf कहां से मिला मुझे, stdio.h से। सारी चीजें क्लियर है, क्यों हेडर फाइल लगे, उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन थे, कौन सी हेडर फाइल में कौन सा फंक्शन है, कैसे कैसे लिखना है, कुछ सिंटेक्स है जो उनको फॉलो करना ही है, उनको रूल्स कह रहे हैं हम, उनको फॉलो करना ही है, अगर वो रूल हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कंपाइलर हमको एरर देगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, काफी चीजें इसमें समझाने की कोशिश करी गई है, और आगे जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे इनकी जो जो चीजें यूज होगी हम उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक नॉर्मल कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा कि सी में कौन सी लाइनें क्यों लिखनी है, हर लाइन के लिखने के पीछे मतलब है, तो ऐसा नहीं है कि बस लिखनी है, ये दो फाइल तो लिखनी ही होती है, वर्ड में तो लगाना ही होता है, हर बात के पीछे कंसेप्ट है, इंक्लूड वर्ड तक के पीछे कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को आप बेसिकली क्लियर करते रहेंगे तो आगे आप बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे एक सी कोड लिखने के लिए।